एक बार फिर हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप में आए चार अपडेट के बारे में जो है सेटिंग एंड इंटरफेस, साथ ही साथ यहाँ पे स्टिकर से रिलेटेड है। ये वीडियो कम्प्लीटली न्यू होने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे जो अपडेट है वो कम्प्लीटली न्यू अपडेट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलेगा इस बिना टाइम वेस्ट किए फाइनली वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको एक चीज बता दे, व्हाट्सएप अपडेट बताने से पहले व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो, दोनों में से कोई भी चीज यूज करो, डेफिनेटली आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके और वहां पे अपना एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से होगा यूं, जो भी लेटेस्ट फीचर होगा, सेटिंग होगा, वो आपके एप्लीकेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सो मस्ट अपडेट कर लेना। तो चलिए बात करते हैं व्हाट्सएप की तरफ से सबसे पहला अपडेट कौन सा है। जब भी आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन में सेटिंग में आते हो, और सेटिंग में यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिलता है सेटिंग, लाइक यहाँ पे अकाउंट मिलता है, प्राइवेसी मिलता है, चैट मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है, बहुत सारा सेटिंग देखने को मिलता है, राइट। लेकिन गाइज आपको अब ऊपर में यहाँ पे एक सर्च बार मिलेगा, ये सर्च बार पहले नहीं था, अब इजिली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी सेटिंग आपको चाहिए। मान लो हमको अपना ऑनलाइन हाइड करना है, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन टाइप करेंगे और फाइनली ऑनलाइन का यहाँ पे सेटिंग आ चुका है। अगर आपको डीपी चेंज करना है तो यहाँ पे आप टाइप करो प्रोफाइल फोटो, और फाइनली प्रोफाइल फोटो का यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा। मतलब कि जैसे फोन में सेटिंग होता है ना, सेटिंग हम सर्च करते हैं इजिली वहां पे जंप कर जाते हैं, वैसे ही व्हाट्सएप में इजिली आपको एक सर्च बार मिलेगा जिससे आप इजिली ये सेटिंग को फाइंड कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग को। तो चलिए बात करते हैं दूसरा अपडेट कौन सा है। दूसरा अपडेट बहुत ही शानदार है, जो हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस का इंटरफेस था वो हमारा इंटरफेस आ चुका है। मतलब कि जो पहले वाला इंटरफेस था व्हाट्सएप में, जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप ने क्या किया, चैनल को लाया। चैनल लाने के बाद जो स्टेटस दिखता है कॉन्टेक्ट में अवेलेबल, जो भी पर्सन हमारे व्हाट्सएप में अवेलेबल है उनका स्टेटस हमको दिखता है ऊपर में। ऊपर में हमको स्लाइड करना होता है राइट टू लेफ्ट, स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करने के बाद यहाँ पे स्टेटस शो करता है और ये जो स्टेटस शो करता है ये पहले जैसा यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब कि पहले दिखता था ऊपर से नीचे कर देते हैं, और पहले जो स्टेटस हम देखते थे बहुत ही इजी इंटरफेस था, बहुत ही अच्छा इंटरफेस था। लेकिन गाइस यहाँ पे चैनल आने के बाद ये इंटरफेस उतना परफेक्ट इंटरफेस नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही व्हाट्सएप ने क्या किया है, ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा सी ऑल स्टेटस। जैसे आप क्लिक करोगे फाइनली हमारे कॉन्टेक्ट में अवेलेबल टोटली पर्सन का स्टेटस एक जगह दिख जाएगा और पहले वाला इंटरफेस में दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी स्टेटस को म्यूट किया हो कैटेगरी वाइज देख सकते हो, साथ ही साथ जो स्टेटस सीन कर चुके हो वो स्टेटस व्यू में जाने के बाद देख सकते हो। मतलब कि स्टेटस का टोटली इंटरफेस एक न्यू पेज व्हाट्सएप ने बना के और एक न्यू मेन्यू में एड कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं तीसरा अपडेट के बारे में, जो है सर्च चैनल बाय कीवर्ड। मतलब कि अगर आप YouTube में कोई भी चैनल को सर्च करते हो, मान लो अगर कॉमेडी सर्च किया तो कॉमेडी से रिलेटेड जो भी चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो चैनल का नेम कॉमेडी नेम से हो, कोई भी नेम से वो चैनल का नेम हो सकता है, कॉमेडी मस्ट नहीं है। बट अगर हम बात करें व्हाट्सएप चैनल को, तो यहाँ पे सबसे बड़ा व्हाट्सएप में डिसएडवांटेज था जो अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे मूवी, तो मूवी नेम से जो चैनल है वही यहाँ पे शो करता था। मतलब कि अगर कोई अदर नेम से आप चैनल बना लिए तो वो तो यहाँ पे कभी भी सर्च में नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही व्हाट्सएप ने यहाँ पे कीवर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर चुका है, और फाइनली अब आप अगर कैटेगरी वाइज सर्च करोगे, मतलब कि अगर हम मूवी टाइप किए तो मूवी नेम से और मूवी रिलेटेड कैटेगरी वाइज जो भी चैनल है वो शो करेगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हो ARY फिल्म शो कर रहा है, जो मूवी यहाँ पे नेम में नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्शन शो कर रहा है, ये भी मूवी नेम से नहीं है, ये कैटेगरी वाइज है। मतलब कि कैटेगरी वाइज इजिली आप फाइंड कर सकते हो कॉमेडी मूवी सॉन्ग एंड अदर टेक, वट एवर जो भी कैटेगरी टाइप करोगे उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी चैनल अवेलेबल होगा व्हाट्सएप में वो यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए बात करते हैं लास्ट अपडेट, जो है रमजान स्टिकर। रमजान फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और फाइनली व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दिया है रमजान से रिलेटेड कुछ स्टिकर, जो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पे यूनिक स्टिकर है, जो इजिली आप फ्रेंड फैमिली कहीं भी आप शेयर कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, और ये स्टिकर इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इजिली वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप का ऑफिशियल ये लिंक है, जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो इजिली जो आपका स्टिकर वाला पैनल होता है, इमोजी वाला स्टिकर वाला पैनल, वहां पे ये जो स्टिकर है वहां पे ये ऐड हो जाएगा। सो ये था व्हाट्सएप का चार न्यू अपडेट अभी तक जो व्हाट्सएप ने इंक्लूड किया है अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन में। ये व्हाट्सएप बिजनेस या फिर व्हाट्सएप जो यूज करो दोनों में ये इंक्लूड हो चुका है। सो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।